वक्त हो गया है खबरों का। उल्लासनगर का कुख्यात अपराधी मोंटी बहादुर करोतिया को एमडीपीए एक्ट के तहत केस दर्ज कर सलाखों के पीछे रवाना कर दिया गया है। इससे पहले मोंटी पर उल्लासनगर के विभिन्न पुलिस थानों में मारपीट, डकैती, हत्या की कोशिश, जान से मारने के लिए धमकाना, बदला लेने के इरादे से दहशत फैलाने और तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करना जैसे संगीन मामले दर्ज है। पुलिस द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद सुधार न आने पर उल्लासनगर पुलिस द्वारा थाने पुलिस कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा गया था। मोंटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए पुलिस आयुक्त ने उसे एमडीपीए एक्ट के तहत पुणे के यरवाड़ा सेंट्रल जेल में स्थानबद्ध करने का आदेश दिया है। वहीं उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव से ठीक पहले पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से शहर के गुंडे व बदमाशों में हड़कंप मच गया है। आइए सुनते हैं उल्लासनगर के डीसीपी प्रशांत मोहिते का इस पर क्या कहना है। सेंट्रल पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड पे मोंटी बहादुर करोतिया नाम का गुनेगार जो है उसके ऊपर टोटल 7 गुने अभी तक दाखिल हैं। उसमें डकैती, राइटिंग, सीवियर इंजरी करना, इस प्रकार के गुने उसके ऊपर दाखिल हैं। उसके बिहेवियर में कुछ अपेक्षित सुधारना न होने के कारण उसके ऊपर एमपीडीए एक्ट के अन्वय कार्रवाई करने के लिए प्रपोजल भेजा गया था। माननीय सीपी सर ने आज मोंटी बहादुर करोतिया इसको एमपीडीए एक्ट अन्वय डिटेन करने के बारे में आदेश निर्गमित किए और उस आदेश के अनुसार उसको आज पुणे जेल भेजा जा रहा है। अभी तक जोन 4 में 2021 और ये 22 का जनवरी महीने तक हमने 56 लोगों को तड़ीपार किया है और 6 लोगों को एमपीडीए एक्ट अन्वय कार्रवाई की है। हाँ, हम जौनपुर के अंडर जो 8 पुलिस स्टेशन है उनके रिकॉर्ड पे जो गुनेगार हैं उनकी एक्टिविटीज़ हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उनके खिलाफ सख्त प्रतिबंधक कार्रवाई या प्रिवेंटिव एक्शन की जाएगी। तो ये थी हमारे आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ।